ਸੰਧਾ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਾਸਤੇ ਖੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਚੈਨਲ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਖਬਰ ਹੋਵੇ ਛੋਟੀ ਜਾਂ ਵੱਡੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਆਫਿਸ ਹੈਗਾ ਸੰਧਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਪਨੀ ਕੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਹੈਗੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਖਬਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦੱਸਣਾ ਸਾਡੇ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੱਬੀ ਸਰ, ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕਿਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਜੀ ਅੱਜ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਆਏ ਆ। जो कि पिछले काफ़ी सालों तो जो प्राइवेट स्कूलों वाले आ बेतहाशा धक्केशाही कर रहे हैं माँ प्यो के नाल। एक्चुअल की है जी, बच्चे साडा फ्यूचर है तो हर एक माँ प्यो इस गल से बड़ा संजीदगी वेखदा वा भी मेरे बच्चे एक चंगी एजुकेशन मिले, अगला ना ही चंगे तरीके कि बिना सैटअप हो सके, चंगी जॉब लगने वाला बने हो जी। उस सोच नू माँ प्यो नू इस कदर ब्लैकमेल किया जाता वा, टॉर्चर किया जाता वा भी उन्हां कोल इन्नी मजबूर हो के भी धक्केशाही ना पैसे वसूले जाते हैं जी, कभी एडवल चार्जिज के नाम उत्ते ते कभी जबरदस्ती जिहड़ियां बुक्स हैगियां ने इत्थों ही मिलनियां जी, इहदियां बुक्स कितों होर नहीं। पार्टी के सारे लीडरां वल्लों जिहड़ा मंग पत्र दित्ता जा रहा कि जिहड़े प्राइवेट सिक्ख्या जिहड़े सैक्टर आ इह बच्चियां कोलों वध फीसां लै रहे आ और उन्हां को तीन तीन महीने दीआं फीसां मंग रहे आ, जदों कि पढ़ाई नहीं की। और जदों एक बच्चे की फीस जदों स्कूल दाखला हो जाता उसको दाखला फीस ली जाती है तो प्राइवेट स्कूलों वाले हर साल उसको दाखला फीस मंगते हैं और नाल ही होर जड़े फालतू खर्चे आ जिस तरह कंप्यूटर फीस दे दो जी, बिल्डिंग फंड दे दो जी, कई नाल इन्हां नूं फंड पा देंदे आ। और इस तरह ही जिहड़ी किताबां वा वो अपनी मर्जी दी दुकानां तों मंगाउंदे आ, उन्हां नाल कमीशन हुंदी आ। ये जिहड़ी लुट आ इहदे संबंध विच असीं सरकार नूं अपील करदे आ, मुख्यमंत्री साहब नूं, सिक्ख्या मंत्री साहब नूं, डीसी साहब नूं कि इन्हां नूं इस गल तों रोकिया जावे। बेशक सिक्ख्या मंत्री साहब इस गल दे उत्ते वार वार कई ऐलान कर चुके आ पर प्रैक्टिकल उहदा अमली जिहड़ा जामा वा उह नहीं बनाया जा रहा। स्कूलों वाले फिर भी मापिआं नूं तंग करदे आ कि सानूं फीसां दिओ। लोक इंसाफ पार्टी मंग करती है कि इस गल ते नत्थ पाई जाए, नहीं तो लोक इंसाफ पार्टी संघर्ष कर ली मजबूर होगी। मिलनियाँ फिर जिहड़ियां स्कूल दीआं ड्रैसां ने वो दो साल बाद चेंज कर देंगे, की कारण है? घट्टो घट्ट पाँच साल का पीरियड रखो, ठीक है ना। बुक्स है जिहड़ियां बुक्स हैगियां ने बुक्स नूं की गल है? अगर सीबीएसई हर साल चेंज होंदियां सर, क्लास बदलनी उस हिसाब नाल बिल्कुल चेंज होंदी है। हुण जिद्दां कोई ना बच्चा फिफ्थ विच पढ़दा वा ते फिफ्थ बच्चे दी बुक्स जिहड़ी जिहड़ी फिफ्थ जिहड़े पहले ने बच्चे ने पढ़ी आ, अगले साल ओहली बुक नहीं होएगी, ओहली पहले अगले साल होर बुक हो जाती आ, जां दो साल बाद चेंज कर देंदे आ, क्यों की गल जी? कम से कम एक पीरियड रखो भी, तीन तो चार साल का टाइम रखो भी, चार साल उ बुक पढ़े बच्चा पढ़े, जड़िया किसी दुकान बच्चिया आने अगला दूजे बच्चे देने वाला बने, ठीक है ना जी। फिर दूजी गल जी, बुक्स है बाजार के कितने भी अवेलेबल होनी चाहिए, ये नहीं गा भी सिर्फ उसी दुकान पर मिलनी कि तो नहीं मिलनी। सरकार माँ प्यो धमकाया जा रहा है ना कि जिस तरह की जो अपने बच्चे की फीस ना देते तो अं फीस सस्पेंड कर देंगे बच्चे, उस वजह तो दोबारा तो स्कूल दाखला लोगे तो फिर सूँ फिर अपने दोबारा तो ही दाखला देना पड़ेगा, सारा कुछ मतलब स्टार्टिंग तो होएगा। सरकार कहती कुछ है, प्राइवेट स्कूलों वाले करते कुछ है, ठीक है ना जी। सख्त एक्शन लैन की लोड़ है, जबकि साडा सरकारी तंत्र ही नहीं किसी जोगा है, अगर कितने स्ट्रिकली कितने एक्शन ले हो दो चार स्कूलों उत्ते तो बाकी स्कूलों वाले उन्होंने आपे अगर लाजमी टिकाने आज उन्होंने। सो इस करके मेरी कैप्टन अमरिंदर सिंह जी अगे बेनती आ, डीसी साहब अगे बेनती आ भी इला बड़ा संजीदगी वाला मुद्दा वा, इनू बड़ी बरीकी नाल देखा जाए तो एक्शन लिया जाए तो स्वीपर भी है, पोलिटिकल स्टाफ भी है, अगर लोग फीस जमा नहीं कराएंगे तो वो पैसे कितों देंगे, अपनी तनखावा कितों देंगे? देखो जी पिछले 10 साल का इतिहास खोल के वेख लो, हर साल माँ प्यो को एनुअल चार्जिज एडमिशन फीस हर साल दे नाल ते मतलब करोड़ों रुपये इकट्ठे किए हुए स्कूलों ने, ठीक है। आज की डेट से अगर स्कूलों का बजट चेक किया जाए वो चेक कर लो, उन्होंने इनकम कितनी हैगी, ठीक है ना जी, उन्होंने बैंक कितने पैसे आए आ, तुम चेक कर लो कई 100 करोड़ रुपये उन्होंने अकाउंट ही पिया होएगा, ठीक है ना। अगर 2 महीने स्कूलों वाले अपने को फीस दे देंगे तो कितने फर्क नहीं पैना। दूजी गल
जिन्हें भी इंडस्ट्रियल वाले है साड़िया फैक्ट्रिया वाले दुकानदार है इन्हों को भी ना जी इंपलॉय काम करते हैं कि अगले नहीं महीने दो दो महीने की फीस अपने उन्होंने जी पे अपने को देंदे पे बिल्कुल देंदे पे है जी। अगर इन्हों इन्नी कमाई होने के बावजूद भी अगले दो महीने को फीस देंगे तो फिर की फर्क पैना करा लो फीसा तीन तीन महीने लेंदे जी अजे एक महीने फीस नहीं गई लॉकडाउन है दो महीने ऑलरेडी हो चुके एक महीने तनखा दी जाएगी तनखा जी इंडस्ट्री से इन्हों का बहुत फर्क है इन्हें कोई पाँच पाँच सात हज़ार स्टूडेंट है 500-600 स्टाफ है इंडस्ट्री को 10-15 स्टाफ है उन्होंने सैलरी इन्हें सैलरी का जमीन समान का फर्क है इस बारे तुम की कहो सर जी जिडे व्डे बूहे है उडे चौड़े हाथी पाले हुए है ठीक है जी। बाकी तीजी गल हैगी भी इन्हों चाहिए वा भी इन्हों को पैसे है जी ऑलरेडी आ बहुत शाहूकार है स्कूलों वाले कित कोई प्रॉब्लम नहीं गई इन्हों देन दे जो कि समर्थ है इन चीज़ों। मैं अमरीक सिंह बरपाल इंचार्ज माझा जोन लोकल साहबाग जी मेरे नाल सीनियर साथी सरदार प्रकाश सिंह जी माल जनरल सकत्र लोकल साहबाग जी सरदार जगजोत सिंह खालसा धार्मिक विंग पंजाब प्रधान और नाल जिला प्रधान मलजीत सिंह बब्बी दूसरे जिला प्रधान सरदार सरबजीत सिंह है जी। अज असी सारे अहदेदार साहबान इकट्ठे हो जिहड़ियां स्कूलों दी फीसां प्राइवेट स्कूल सिक्ख्या चलती है वो गरीब परिवार के मिडल परिवार के बच्चों बहुत तंगी आ रही है क्योंकि ये तीन तीन महीने दिया फीसा मंग रहे हैं जदों के तीन तीन महीने स्कूल कॉलेज बंद रहे पढ़ाई हुई नहीं तो फीसा कह दियाँ। इस तो अलावा ये हर साल जो तो एक बार दाखला फीस बच्चे की हो जाती है हर साल दाखला फीस मंगते हैं बिल्डिंग फंड के नाते पैसे मंगते हैं और कंप्यूटर फीस मंगते हैं और कई तरह दियाँ वाधू फीसा जो ला के वो गरीब परिवार को तंग करते हैं जो कि हूँ पूरे हिंदुस्तान में महामारी फैली है कोरोना कोविड वो तहत सारे बंद सारे मापिया के रुजगार बंद है किसी को रोटी चलानी अपनी बहुत औखी हुई है तो एनिया एनिया फीसा कितों देन जदों के तीन चार बार सिखी सिक्ख्या मंत्री साहब ने अपनी स्टेटमेंट दिखी है उस स्टेटमेंट का किसी स्कूल वाले तो कोई असर नहीं वो फिर भी मापियां नूं टैक्स मैसेज होर मैसेजा राही ये मंग करते हैं कि बच्चों नूं फीस दी जाए पर असी मंग करते हैं मुख्यमंत्री साहब नूं सिक्ख्या मंत्री साहब नूं डीसी साहब नूं कि इन्हां नूं नत्थ पाई जाए ता कि गरीब परिवार के जिहड़े बच्चे आ उह सिक्ख्या तों वांझे ना रह जाण। जेकर इहदा हल नहीं हुंदा तां लोक इंसाफ पार्टी पार्टी प्रधान सिमरजीत सिंह बैन के दिशा निर्देशों के पूरे पंजाब दे विच धरने देवांगे और इस सफल बनाने लई पूरा जोर लावांगे मापियां नूं नाल। डी साहब बैठे ही उठ के चल गए के कारण असं बस उन्होंने वेट कर डे हाँ डी साहब ए डी साहब आने उन्होंने असं अपने माझा जोन के इंचार्ज जोड़े उन्होंने अगवाई जहाजे ला लिया करो अरदास लोक इंसाफ पार्टी माझा जोन के जनरल सकत्र प्रकाश सिंह माल अज असी जो पंजाब दे विच जिहड़े प्राइवेट स्कूल जिहड़ा माफिया बनिया वा जिहड़ा कि तीन महीने जिहड़े आ महामारी चलन दी आ विश्व भर दे विच स्कूल कॉलेज ना लगन करके उन्होंने बच्चों के पेरेंट को जिहड़ियां नजायज़ फीसा मंग रहे उहदे जिहड़े खिलाफ़ असीं प्रोटेस्ट करन आए हां ते एक मंग पत्र अपनी माझा टीम जी टीम है वो नाल अं डी सी साहब न देना आई मंग करते हैं लोक इंसाफ पार्टी जी हमेशा ही भावें सरकार धक्का करे भावें कोई प्राइवेट माफिया करे भावें कोई ट्रांसपोर्ट माफिया करे वो संबंध च जी लोक इंसाफ पार्टी आवाज़ चुकती आई आज भी जोड़ा ये मुद्दा जोड़ा तीन महीने जोड़ा स्कूल बंद रहन करके जोड़े स्कूल माफिया जोड़ा बनया प्राइवेट स्कूल जोड़े बच्चों की पेरेंट को जोड़े फीसा मंगते हैं उसके संबंध में डीसी साहब को मांग पत्र देना आ जो स्कूल पढ़ाई नहीं हुई तो फीसा कह दियां लेंदे आ एक पंजाब सरकार जी जे साडे पंजाब सरकार के मंत्री आ विजेंद्र सिंगला जी वो उत्तों उत्तों पोंगलों की मिट्टी झाड़ देंदे आ कह देंदे आ कोई फीस नहीं लिती जाऊगी पर फिर भी जोड़े अच्छ स्कूल प्राइवेट स्कूल आ ये बच्चों के पेरेंट न अपने टैक्स मैसेज या ईमेल राही जो नोटिस दे के जो फीसा की मांग करते लोक इंसाफ पार्टी जी ये बिल्कुल खिलाफ़ आ
अज डी सी साहब मंग पत्र दे के मंग की जाऊगी इन्हें जोड़ा लोग जोड़े माफिया बनया वा प्राइवेट स्कूल इन्हों नत्थ पाई जाए जे अगर ये ना होगा तो लोग इंसाफ पार्टी को तिखा संघर्ष वड के विडूगी जिस संबंध में जी सरकार आप जिम्मेवार होगी। सर एक होर बड़े जो पेन से इन्होंने बारे आ रही है कि मतलब बिल्डिंग फंड मंगते हर वारी इन्हों का की चक्कर है? देखो जी प्राइवेट स्कूल जोड़े आर वारी जो बच्चे की नवी एडमिशन होंगी आह लैके फिर साल बाद नवी एडमिशन फिर बिल्डिंग फंड फिर जी इन ट्रांसपोर्टेशन होंगी फंड ये जड़े बख बख तरह के फंड लैके ये पूरी मापिया की लुट वसुट करते हैं तो ये संबंध में लोग इंसाफ पार्टी जी इन्हों इस तरह नहीं कर देगी जी बच्चों के मापिया की आवाज़ आ ये बच्चों के मापिया नाल लैके कोई तिखा संघर्ष जरा किया जाऊगा जिन्ना चर ये जोड़े प्राइवेट जोड़े स्कूल आ ये इन्होंने कामों तो बाज नहीं आऊंगे।